हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। जो हमने आज तक ट्रिगो के कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और मात्र 7 से 8 सेकंड के अंदर। आप 7 से 8 सेकंड तो ज़्यादा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर जाओगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मध्यकालीन भारत, भारतीय संविधान और राजस्थान जीके के बारे में आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो अनअकैडमी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा कि भाई कोस 1 डिग्री डॉट कोस 2 डिग्री डॉट कोस 3 डिग्री डॉट 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 कोस 179 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दे रखा है हमारा ए 0, बी 1, सी 3 और डी 2। अब देखो क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके एलडीसी की जो पहली शिफ्ट थी ना 12 तारीख वाली, उस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो ऐसा आएगा कि भाई कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं कोस 90 डिग्री आएगा ना, बीच में कहीं कोस 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। भाई जब 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 90 भी आएगा, 90 भी आएगा, तो आपको पता है कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 90 डिग्री का मान आप सबको पता है कि 0 डिग्री होता है सर जी, सॉरी 0 वैल्यू होती है इसकी। 90 डिग्री पर इसका मान 0 होता है। ये सब गुणा के अंदर है और 0 से कोई संख्या गुणा होगी तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन ए राइट होगा। बस एक हल्का सा छोटा सा लॉजिक था कि भाई कोस 90 बीच में आएगा और इसका आंसर 0। अगर आपको पता होगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये सारे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और होता ऐसा है कि लगभग काफी एग्जामों के अंदर, जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, देखने को मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेन 1 डिग्री डॉट टेन 2 डिग्री डॉट टेन 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री तक, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऑप्शन में आप बता दूं आपको, ऑप्शन ऑप्शन है 0, बी 3, सी 1, डी 9, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी a प्लस बी का मान, पहले मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ ताकि आपका कुछ रिवीजन हो जाए। a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो जाए, देन आपको मैंने 7 एक ऐसे आइडेंटिटी बताई थी जिससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो 7 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी ये भी थी कि टेन ए डॉट टेन बी इज इक्वल टू 1 होता है। कब होता है, जब a और b का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, होता है ना। अब देखो यहाँ पे वही हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। देखो यहाँ पे टेन 1 डिग्री आ रहा है और क्या आ रहा है, टेन 2 डिग्री आ रहा है डॉट 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 टेन 88 डिग्री डॉट टेन 89 डिग्री आ रहा है। देखो टेन 1 और टेन 89, क्या a और b का मान 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो टेन a टेन b का मान कितना 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कैसे, इसका और इसका मान देखो 90 हो रहा है, 88 और 2 90, a और b का मान 90 हो रहा है तो इसका भी मान कितना 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे लगभग सारे के मान 1 प्राप्त होंगे, यानी दो मिलकर 1 का मान देंगे, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे 1 मान देंगे। तो ऐसा होगा क्या कि हमारा टेन 45 बच जाएगा, क्योंकि 45 में तो 45 जुड़ेगा नहीं, मतलब 45 थीटा, ये जो a थीटा है इसमें b वाला 45 तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 45 के बाद क्या आएगा, सीधा 46 आ जाएगा ना, तो 45 बच जाएगा। और आपको पता है टेन 45 का मान कितना होता है, हमारा 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन सारों के मान कितना आएंगे भाई, ये दो मिलकर कितना मान देंगे 1, ये दो मिलकर आगे 88 वाला भी आएगा, टेन 88 तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे करते करते टेन 45 भी बचेगा, 45 का मान भी 1 हो गया, 1 × 1 सारे 1 गुणा होंगे तो मिलकर क्या बन जाएंगे, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। आगे चलते हैं, सब गुणा में थे इसलिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और मुझे आशा है कि
इस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो ये चलेंगे ना, जितने भी 10-15-20 क्वेश्चन करेंगे, इनमें से जो आगामी एलडीसी का एग्जाम है 9 तारीख वाला, उसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है मिल सकता है आपको, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन मिल सकता है। आगे चलते हम अलग सा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द वैल्यू ऑफ टेन में लिया कोट में, कोट वाला ले लेते हैं, कोट 1 डिग्री, देन कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, डॉट 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 कोट 89 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, हमने ए प्लस बी का मान क्या किया, ए प्लस बी का मान हमें पता है ना कि 90 हो जाए तो हमारा मान कोट ए डॉट कोट बी का मान कितना होता है, 1 होता है। कब होता है, जब ए प्लस बी का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, आपको पता ना ये चीज। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या बचेगा कि भाई सबके मान तो एक बचेंगे, सबके मान तो एक एक बचेंगे, फिर बचेगा कोट 45 डिग्री एक अलग से। इस कोट 45 का मान कितना होता है कि एक होता है, इसका मान एक हो गया तो सारे एक गुणा क्या हो जाएंगे, एक, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, एक, ठीक है। ऐसे चलता है, ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर आंसर एक या जीरो या 2-3 ऐसा आने की संभावना रहती है, बड़ी संख्या नहीं आती है। बड़ी संख्या कब आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है देखो कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस में, ठीक है। हमें हमसे क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 40, आगे डॉट डॉट 80 तक, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आगे चलते हैं, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी ये देखो यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, तो देखो हमने यही आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना ए प्लस बी, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस आइडेंटिटी क्या थी, ये कि ए प्लस बी का मान जब भी 90 हो जाए तो हमारे क्या होता है, हमने ये भी तो पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, एक होता है। अब क्यों होता है वो मैंने आइडेंटिटी में आपको बताया था, तो पिछला जो अगर कोई देखना चाहता है इसका पिछला वीडियो, तो प्लेलिस्ट के अंदर इसका वीडियो पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे 80 तक। अब ऐसे कैसे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बनेगा, ऐसे कैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना बना, 30 के साथ 40 जोड़ देते हैं, 40 क्या 60, 60 डिग्री। ऐसे कैसे मैं कह दूं कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी देखो पूरे 80 तक आ गया मान। अब देखो मैंने क्या बताया, इसका मान कितना होता है, एक होता है, यानी दो पद मिलकर क्या कर रहे, एक का मान दे रहे, दो पद मिलकर एक का मान दे रहे। देखो एक ट्रिक बनेगी यहां से, यहां से आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप इसको एक सेकंड में सोल्व कर लो। दो पद मिलकर एक का मान दे रहे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर एक, कब होगा, जब ए और बी का मान 90 हो जाए। ऐसे कैसे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यानी 20 और 70 90 हो रहे, तो इसका मान भी क्या होगा, एक होगा, इसका भी मान एक, इसका भी मान एक, सभी को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे, चार बनेंगे हमारे, सभी को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे, चार बनेंगे। अब देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, चार, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, चार। अब देखो इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, ट्रिक ये भी एज ए ट्रिक है, हम ट्रिक के अंदर भी ट्रिक खोज रहे हैं, ये भी एक ट्रिक ही है, पर आपको इससे भी बड़ी एक ट्रिक और बताता हूं कि जब भी ऐसे स्क्वायर लिखे हुए फॉर्म में और दो पद मिलकर एक का मान दे देना, दो पद मिलकर एक का मान दे दे, यानी ये देखो यहाँ पे 10 और 80 मिलकर क्या दे रहे, एक बना रहे, बना रहे ना, ये 90 बन रहा है, देखो 80 और 10 मिलकर 90 हो रहा है। जब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का मान एक होगा, कब होगा, जब ए प्लस बी का मान 90 होगा। जब भी ऐसा हो जाए ना, दो पद मिलकर एक का मान दे, तो एक ट्रिक याद रखना आप कि भाई
सारे पद गिन लो, सारे पद गिनकर क्या करो, दो का भाग दे दो, दो का भाग दे दो, सारे पद गिनकर क्या करो, दो का पद, दो का भाग उसमें उसके अंदर दे दो। अब देखो यहाँ पे कितने पद गिन रहे, एक दो, देखो बीस, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, यानी कितने, आठ पद आएंगे मेरे, आठ पद आएंगे, दो पद मिलकर एक का मान दे रहे, तो क्या हो जाएगा, बटे दो कर देते, तो इसका आंसर कितना आ गया चार। अच्छी लगी हो ट्रिक तो कमेंट में बताना कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है। इसी ट्रिक के ऊपर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखना आप, क्वेश्चन नंबर पांच, पांच क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे आपके लिए डेली, और उसी में भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है कोस स्क्वायर वन डिग्री प्लस कोस स्क्वायर टू डिग्री प्लस कोस स्क्वायर थ्री डिग्री प्लस डॉट 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 कोस स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा इसका मान कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि भाई हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का मान, देखो मैं बार बार इसी चीज को एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस चीज आइडेंटिटी को पढ़े, और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड मिल जाता है, और आने वाले कुछ ही वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं वो भी देखेंगे, तो आप पिछले कॉन्सेप्ट जरूर देखें एक बार। तो ए प्लस बी का मान जब भी 90 हो जाए, तो हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी थी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना होता है, एक होता है। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर वन और कोस स्क्वायर 89 दिख रहा है, ये दोनों मिलकर क्या मान देंगे, एक, दो पद मिलकर एक का मान दे रहे। मैं वापस इसी बात को इम्फोसाइज कर रहा हूँ कि दो पद मिलकर एक का मान दे रहे, ऐसे कैसे 88 आएगा, और यहाँ पे आप इसमें दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 90 हो गया, तो कोस ए कोस बी का मान कितना, एक आ गया। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि सारे पद गिनो, सारे पद गिनकर दो का भाग दे दो, तो क्या करेंगे, सारे पद गिने, सारे पद कितने आपको सामने दिख रहे, 89 पद होंगे इसमें टोटल, कितने 89 पद, तो 89 बटे दो, समझ में आई ये बात, 89 बटे दो करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा इसका, 44 है ना, दो का भाग जाएगा 44 सही, एक बटे दो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिलता हम अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।